होली खेलते हुए आंखों में रंग चला जाना आम बात है, लेकिन इसके प्रति लापरवाही उम्र भर आपकी आंखों को खराब कर सकती है और आप इसका भारी खामियाजा भर सकते हैं, क्योंकि इससे आंखों की रोशनी जा सकती है। होली खेलते समय ज्यादातर लोग अपनी त्वचा और बालों को लेकर काफी सतर्कता बरतते हैं, लेकिन अपनी आंखों के प्रति लापरवाही कर बैठते हैं। होली खेलते समय अगर खराब केमिकल रंग आपकी आंखों के अंदर चला जाए तो यह आपकी आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे ग्लूकोमा, आंखों में सूखापन और नजर कमजोर हो सकती है। होली पर अगर आंखों में खराब केमिकल रंग चला जाए तो तत्काल कुछ उपाय करने से आंखों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है। होली पर अक्सर लोगों की आंखों में खराब केमिकल गुलाल या रंग चला जाता है, जिससे जलन होने लगती है और आंखों में पानी आने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी आंखों को तुरंत हाथों, रूमाल या टिश्यू से रगड़ने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे कॉर्निया में घर्षण हो सकता है और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। आंख साफ करने के लिए इसके प्रयोग से बचें। आंखों को रंगड़ने की वजह से रंग आंखों के अंदर तक फैल सकता है, जिससे आंखें लाल हो सकती हैं। इससे आंखों में सूजन या संक्रमण की समस्या भी हो सकती। जितना संभव हो अपनी आंखों को रंगों से बचाकर रखना है। अगर आंखों में रंग चला जाए तो कॉटन के कपड़े की मदद से आंखों को साफ करें। आंखों की अच्छी और पूरी तरह से सफाई के लिए एक स्टेराइल आई वॉश सॉल्यूशन का उपयोग करें। आंखों में रंग चला जाए तो तुरंत राहत के लिए सादे पानी से आंखों को धो लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि पानी को आंखों में छिड़कने से पहले जरूरी है कि आप अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें, क्योंकि गंदे हाथों से आंखों को धोने से हाथों की गंदगी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। आंखों को धोने के लिए हल्का ठंडा पानी का उपयोग कर सकते हैं। अगर हल्का ठंडा पानी उपलब्ध न हो तो सादे पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। साफ हाथों की मदद से आंखों को धोने से रंग आसानी से निकल जाता है। इसके लिए आप हथेली पर साफ ताज़ा पानी भरिए और इसमें आंखों को डुबो दीजिए और धीरे धीरे पलकें झपकने का प्रयास कीजिए। इस प्रक्रिया को 5-7 बार करने से आंखों में फैला रंग बाहर आ जाएगा, लेकिन आंखों पर पानी के छींटे मारने से बचें। इसके अलावा आपको गर्म पानी के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। आंखों को धोने के बाद भी अगर आंखों में हल्की जलन हो रही है तो इससे राहत पाने के लिए गुलाब जल की 1 या 2 बूंद आंखों में डाल सकते हैं। अगर गुलाब जल नहीं है तो आंखों में डालने वाला कोई बेसिक आई ड्रॉप भी डाल सकते हैं। आंखों में गुलाब जल या आई ड्रॉप डालने के बाद आंखों को खोलने की कोशिश करें। हालांकि इसमें थोड़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आंखें क्लीन हो जाएंगी। आंखों से रंग निकल जाए तो कद्दूकस किया हुआ खीरा कुछ देर के लिए अपनी बंद आंखों पर रखें। इससे आंखों को ठंडक मिलेगी और जलन कम होगी। होली के रंगों से अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए और सूरज की हानिकारक किरणों से अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए धूप के चश्मे पहनें। होली खेलते समय कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचें, क्योंकि यह आपकी आंखों की सतह पर फंस सकते हैं, जिससे आंखों में जलन या इन्फेक्शन हो सकती है।